शनि 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 ऐसी क्या शक्ति है वो? देवराज होने के पश्चात मैं उसका दंड हिला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव यह शक्ति न्याय अधिकारी की है। और स्पष्ट है कि असुरों पे किए गए अन्याय के कारण न्याय देवों के नहीं हमारी ओर है। अच्छा, और इस विश्वास का कारण अभी ज्ञात हो जाएगा। न्याय हो या अधिकार, केवल शक्तिशाली के पक्ष में होता है शुक्राचार्य। दुर्बल को न्याय का कोई अधिकार नहीं। तो तुम दैत्यों की शक्ति को ललकार रहे हो। नहीं शुक्राचार्य, कदापि नहीं। मैं तो केवल तुम्हारी दुर्बलता का उपहास उड़ा रहा हूं। ना ही आज तक तुम हमसे कोई युद्ध जीत पाए और ना ही इस दंड को उठा पाने के द्वंद में। तो अभी शक्ति का निर्णय कर लेते हैं। मुझे तो इसमें और भी आनंद आता है शुक्राचार्य। बस कीजिए आप दोनों। महादेव ने आदेश दिया है कि अब यह युद्ध समाप्त है, तो क्यों कोपित करते हो उन्हें? यदि कोई शक्ति आनी है तो उसकी प्रतीक्षा कीजिए। जब न्याय अन्याय करने के बीच अंतर करना आप दोनों के हाथों में है ही नहीं, तो क्यों करते हो युद्ध? तो क्या हम देवता अत्याचार करते हैं? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं देव, जब महादेव ने न्याय के निर्णय करने का अधिकार किसी शक्ति के हाथों सौंप दिया है, तो हम कौन होते हैं उन्हें चुनौती देने वाले? उचित यही होगा कि उस शक्ति को अपना उत्तरदायित्व निभाने दे। और आप सब अपना अपना उत्तरदायित्व निभाएं। प्रणिपात, कहां है वो शक्ति जिसे महादेव ने मुझसे खेल खेलने के लिए भेजा? कहां? मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें मेरे उत्तरदायित्व निभाने होंगे। यम और यमी को इनकी माता की कमी अनुभव मत होने देना। महादेव की कृपा से मैं तुम्हें यहां तक ले आई हूं पुत्र, परंतु अब मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा।
क्षमा करना महादेव, परंतु एक माँ अपनी संतान को महादेव के सहारे भी नहीं छोड़ सकती। मैं कोई व्यवस्था करती हूँ। पुत्र, भले ही तुम्हें अपने पिता की छाया से दूर रहना है, परंतु तुम्हारी माता छाया तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रहने देगी। उसे यहां से दूर। परंतु कहां, ये जानना नहीं चाहेंगे देव? नहीं। और बताने का प्रयास भी ना करना। मैं उस शिशु को एक दुस्वप्न की भांति भूल जाना चाहता हूं। जब एक माता अपने संतान को खिला रही हो तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, मुख पर प्रसन्नता होती है। मुख पर अपनी दो संतानों के समीप होने की संतुष्टि है देव, परंतु अनेक प्रयास करने पर भी अपनी एक संतान से दूर होने का दुख, मेरी आंखों से आंसू बनकर निकल ही जाता है। अब तो क्रोध शांत कीजिए देव, दुनिया को अपनी किरणों से सुख देने वाले सूर्य देव, क्या अपने ही अंश को कष्ट देके आपके आदेश से मैं उसे अकेला छोड़ आई हूं? पर वो कैसे जिएगा देव? वो अपनी जड़ से अलग होकर कैसे खिल सकता है? यदि आप आज्ञा दे तो क्या हम उसे यहां? बात संज्ञा, और पुनः यह प्रश्न ना पूछना। उस शिशु का स्मरण करते ही मुझे कष्ट होता है, और एक पत्नी को ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे उसके पति को कष्ट पहुंचे। परंतु एक माता होने के नाते अपनी संतान के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य है। अपने पुत्र से दूर रहकर मेरा हृदय जलता है। क्या आपको कोई कष्ट नहीं होता? वो जितना मेरा उतना आपका भी अंश है। वो मेरा अंश नहीं है और ना ही मैं उससे कोई संबंध रखना चाहता हूं।
भोजन का समय हो गया है देव। भोज्य कक्ष की ओर प्रस्थान करें। संध्या, मैं अपने क्रोध को नहीं भुला सकता, परंतु यदि तुम्हारी ममता को कष्ट हुआ तो इसका परिणाम यम और यमी को भी भुगतना पड़ सकता है। अर्थात क्या मैं उसे यहां? नहीं, वो यहां कभी नहीं आएगा। परंतु तुम उसे संभालने जा सकती हो। सूर्यास्त के पश्चात तुम जाकर उसके साथ रह सकती हो, परंतु सूर्योदय के पूर्व तुम्हें वापस लौट आना होगा। और स्मरण रहे, तुम्हारी अनुपस्थिति का प्रभाव यम और यमी पर नहीं पड़ना चाहिए, ना उन्हें ना किसी और को यह ज्ञात होना चाहिए कि वो बालक आपका पुत्र है। कि उसका कोई अस्तित्व भी है, जल्दी उठे। जो जानती हो उसे सदा याद रखना, भले ही उस बालक को तुम्हारे ममता की छाया की आवश्यकता है, पर उसके अस्तित्व की छाया यम और यमी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। महादेव का ही तो खेल है ये सब। देव होकर भी हम देवों को असुरक्षित कर दिया, और सूर्य देव उनका कहना है कि हमें इस कर को स्वीकार कर लेना चाहिए, कदापि नहीं। तो शक्ति को पाने तक मैं रुक नहीं सकता। आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें देवेंद्र, हो सकता है इस समय रुकना ही हमारे हित में हो। हम रुकेंगे तो वो शुक्राचार्य आगे बढ़ जाएगा देव गुरु बृहस्पति। मैं केवल इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वो शक्ति हमारी ओर हमारे अधीन हो। मुझे विश्वास है कि स्वर्ग हमारे अधीन होगा, परंतु उसके लिए उस शक्ति को हमारे साथ हो रहे अन्याय का विश्वास दिलाना होगा, और इसलिए हमें शीघ्र अति शीघ्र उस शक्ति को खोजना होगा। पर कैसे? उसने कहां जन्म लिया है? हम तो कुछ भी नहीं जानते। जानना कठिन भी नहीं। यदि उसका जन्म हुआ है तो वो अवश्य ही एक नवजात शिशु होगा, परंतु त्रिदेव अपनी शक्तियों के द्वारा उसे एक व्यस्क प्राणी के रूप में भी जन्म दे सकते हैं देवेंद्र। यदि ऐसा हुआ तो हम उसे किस प्रकार ढूंढेंगे? गुरुदेव, भेड़ों में से और भात में गेहूं सरलता से दिखता है, वो शिशु हो या वयस्क, जो शक्ति देवों और असुरों को अपने नियंत्रण में ले सकती, उसमें कुछ ना कुछ असाधारण तो अवश्य होगा। इसीलिए इस सृष्टि में हमें वही खोजना है जो असाधारण हो।
यदि शक्ति इतनी बड़ी है तो उसका सामर्थ्य भी उतना ही बड़ा होगा। प्रेम और घृणा, सत्य और छल, शक्ति और दुर्बलता कभी छुप नहीं सकते, और वो शक्ति भी अधिक समय तक छुप कर नहीं रह पाएगी।
यहाँ छाया ने बिना थके अपनी हर संतान की देखभाल की और वहां इंद्र और शुक्र के गुप्तचर शक्ति पुंज को ढूंढ ढूंढ कर थक गए। इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन अद्भुत अद्भुत कल्प वृक्ष से भी सुंदर, इसे तो स्वर्ग लोक में होना चाहिए था। तो ले चलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई तो है जो हमें देख रहा है। कोई नहीं देख रहा हमें। कौन है जो यहां आएगा? कौन है जो हमारा मार्ग रोकेगा? रवि पुत्रम यमाग्रजम। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनै। कौन है? कौन है वहां? अरे ये तो एक बालक है बालक। इस वन में क्या कर रहे हो? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपना मार्ग भटक गए हो बालक। भटक तो आप गए हैं, लौट जाइए। हम यहां से जाने नहीं, इस वृक्ष को अपने साथ ले जाने आए हैं। ये वृक्ष असंख्य जीवों का घर है और बिना किसी उचित कारण इसे काटना अधर्म होगा। लौट जाइए। यदि ना लौटे तो क्या करोगे? तब तक कुछ नहीं जब तक आप आगे नहीं बढ़ते। अच्छा, जब तक हम आगे नहीं बढ़ते अब क्या करोगे? जो हम पीछे ना हटे तो? तो मुझे आगे बढ़ना होगा।
आपको सीमा में रखने के लिए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.